क्षेत्र में मौसम की मार झेल रहे किसानों पर अब जंगली हाथियों के आतंक ने जख्म पर नमक छिड़कने का काम किया है। ग्रामीण क्षेत्रों में सक्रिय कई हाथी अलग अलग क्षेत्रों में जाकर खेतों में किसानों की खड़ी फसल को रौंदकर तबाह कर रहे हैं। इसी के चलते बीती देर रात मोटा हल्दू क्षेत्र के पदमपुर देवलिया से सटे जंगल से निकलकर हाथियों का एक बड़ा झुंड ग्रामीणों के खेतों में पहुंच गया, जहां हाथियों ने जमकर उत्पात मचाया तथा खेतों में किसानों की बड़ी मात्रा में धान एवं गन्ने की खड़ी फसल को पैरों तले रौंदकर चौपट कर दिया। मोटा हल्दू क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों में हाथियों का एक बड़ा झुंड पिछले लंबे अरसे से उत्पात मचा रहा है, जिसने यहाँ के किसानों की रातों की नींद उड़ा दी है। इससे पूर्व भी गजराज यहाँ पर आए हैं और स्वाभाविक है, देखो जंगली जानवर है, उनका आना स्वाभाविक है। लेकिन यह है कि मेरा जो है फॉरेस्ट विभाग से कहना यह है कि यहाँ पर जो है रात्रि गश्त होटर जो है और रात्रि गश्त वाले हैं वो बढ़ा दी जाएं, और जो ये खाइयाँ पटी हुई है मिट्टी से इनको चौड़ीकरण होके और गहरी हो जाएं, ताकि जो है किसानों को जो है जिनका नुकसान हुआ है इसका उचित मुआवजा मिल जाए। तो ये सिस्टम अगर हो तो शायद किसानों को भी न लगे और जो है हाथियों के लिए भी रोग हो जाए। यहाँ पर जंगल किनारे हुए एक दर्जन से ज़्यादा गाँव हैं जो जंगल किनारे सटे हुए हैं, लेकिन जो है विभाग द्वारा नीचे को सोलर फेंसिंग के द्वारा जो है हाथियों का रुकाव कर रखा है, लेकिन यहाँ पर इस तरीके की कोई सुविधा नहीं है। ये हाथी दीवार तक यहाँ पर नहीं है, तो इससे जो है यहाँ पर हाथियों का आना जाना ज़्यादा है। हाथियों को रोकने के लिए फिलहाल तो टेंटिकल सोलर फेंसिंग का हमने अभी 3 किलोमीटर में निर्माण करवाया है, उससे काफ़ी हद तक इसमें रोकथाम हुई है। 3 किलोमीटर इस क्षेत्र में भी प्रस्तावित है, अभी ये शासन स्तर पर है, और जैसे ही वहाँ से मंजूर हो जाएगा उसके बाद इस क्षेत्र की भी रोकथाम हो जाएगी। बाकी फिलहाल रोकथाम के लिए हम इसमें जहाँ पर खाई भर गई है और उसको सफाई करवा देंगे। और हाँ, मुआवजे का तो हमारा सबसे प्राथमिकता है इसमें, क्योंकि ग्रामीण लोग इतनी मेहनत करने के बावजूद अपनी फसल का उपयोग नहीं कर पाते हैं, तो हम इसको नपाई करके और इसमें जो भी उचित मुआवजा बनेगा नियमानुसार वो इनको समय से उपलब्ध करा देंगे।